आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जहां गिद्ध मीडिया जो है किसी की मौत का लाइव टेलीकास्ट करना चाहता था और इस तरीके से रोमांच भरने पर लगा हुआ था कि जैसे अब गाड़ी पलटी कि नहीं आगे जाकर के तब गाड़ी पलटी, और जहां जाकर के गाड़ी रुकी वहां जाकर के गोदी मीडिया के हाथों जो तस्वीरें आई वो तस्वीर ये थी कि अतीक अहमद पेशाब कर रहे हैं, ये भी गोदी मीडिया ने रिकॉर्ड कर अपने चैनल पर चला दिया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निचला स्तर गोदी मीडिया का कितना गिर चुका है। और ठीक यही तस्वीर जब पंजाब से उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था, तब भी गोदी मीडिया जो है हमारा गिद्ध मीडिया ये देखना चाहता था कि गाड़ी अब मुख्तार अंसारी की पलटी, पर एम्बुलेंस गाड़ी में तकरीबन 7 फीट के लंबे मुख्तार अंसारी शान से लेटते हुए पंजाब से उत्तर प्रदेश पहुंच गए। गोदी मीडिया को तब भी बड़ा झटका लगा और अब अतीक अहमद के मामले में भी गोदी मीडिया को बड़ा झटका लगा, जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब गाड़ी पलटेगी। पर इस गाड़ी पलटने के चलते में एक ऐसी खबर को गोदी मीडिया ने छुपा दिया जहां मुख्तार अंसारी को लेकर के कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और साफ तौर पर यह कहा कि 23 साल पुराने मुकदमे में जो मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद है, पर गोदी मीडिया को कोर्ट का ये ऑर्डर नजर नहीं आएगा। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को लेकर के जो कहा वो नजर नहीं आएगा, पर गोदी मीडिया गाड़ी पलटने के लिए इतना उत्साहित था कि हर खबर को दबाता चला गया। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक और अतीक अहमद पर साल 2006 में उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट का शिकंजा कसने वाला है, वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसकी तस्वीरों को गोदी मीडिया ने छुपा दिया है। कारापाल और उपकारापाल पर हमला, जेल में पथराव और जान माल की धमकी देने के 23 साल पुराने मामले में SCGM अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी समेत 4 अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है। उन्होंने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। लखनऊ के कारापाल SN द्विवेदी ने 3 अप्रैल 2000 को इस मामले की FIR आलमबाग थाने में दर्ज करवाई थी। केस के मुताबिक पेशिक से लौटे बंदियों को जेल में दाखिल करवाया जा रहा था। इस दौरान बंदी चांद को विधायक मुख्तार अंसारी के साथी पीटने लगे। कारापाल SN द्विवेदी व उप कारापाल बैजनाथ राम चौरसिया और कुछ अन्य बंदी रक्षक उसे बचाने का प्रयास करने लगे थे। इस पर उन्होंने दोनों जेल अधिकारियों व प्रधान बंदी रक्षक स्वामी दयाल अवस्थी पर हमला बोल दिया था। इस आरोप में 23 साल का वक्त लगा। इस मामले में आरोपी लालजी यादव, कल्लू पंडित, यूसुफ चिश्ती एवं आलम के विरुद्ध 17 अगस्त 2021 को आरोप तय किए गए थे, जबकि मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 28 मार्च 2022 को आरोप तय किए गए थे। पत्रावली के अनुसार घटना की शिकायत जेलर SN द्विवेदी और उप जेलर बैजनाथ राम ने 1 अप्रैल 2000 को लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज कराई थी। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 29 मार्च 2000 को शाम करीब 6 बजे पेशी से वापसी के बाद जब बंदी जेल जा रहे थे, उसी समय विधायक मुख्तार अंसारी अपने साथियों यूसुफ चिश्ती आलम और कुल्लू पंडित प्रभु जिंदर सिंह एवं लालजी यादव के साथ कैदी चांद के बैराक में घुस गया और उसे बेदर्दी से मारना पीटना शुरू कर दिया। आरोप था कि जब जेलर
और उप जेलर ने चांद को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने जेल के अधिकारियों व प्रधान बंदी रक्षक स्वामी दयाल अवस्थी पर हमला बोल दिया था। ये भी आरोप था कि अलार्म बजने पर आरोपी पथराव करते हुए अपने अपने बैराक में चले गए तथा दोनों जेल अधिकारियों को धमकी दी थी कि उन्हें व उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, पर सबूत जो है पुलिस प्रशासन जुटा नहीं पाया। तो वहीं अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लेकर के आया जा रहा था, जहां राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अतीक को कोर्ट में पेश किया जाना है। इस बीच कल शाम से पुलिस सुरक्षा के बीच गाड़ी चलने के साथ ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अतीक की गाड़ी पलट सकती है। हर जुबान पर यही चर्चा थी। कुछ ऐसा ही कयास उस समय भी लगाया गया जब खासतौर पर मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि अब बस गाड़ी पलटने वाली है और एनकाउंटर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का होने वाला है। उस ऑपरेशन को लीड करने वाले आईपीएस ऑफिसर प्रेम प्रकाश ने गाड़ी पलटने की आशंका पर सब कुछ साफ साफ बताया। प्रयागराज जोन के एडीजी रहे प्रेम प्रकाश ने बताया कि पुलिस कभी भी जानबूझकर ऐसा नहीं करती है कि गाड़ी को पलटानी है या फिर आगे कुछ करना है। कानपुर के बिकरू कांड में दोषी विकास दुबे के एनकाउंटर के दौरान कोर्ट में भी ये बातें साबित हो चुकी हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई थी। उस केस में पुलिस को क्लीन चिट भी मिली है। हाल ही में रिटायर हुए प्रेम प्रकाश ने कहा कि मुख्तार अंसारी के केस में भी गाड़ी पलटने जैसी बातें चल रही थी, पर पंजाब से जब पुलिस सुरक्षा और ब्रिज वाहनों से रवानगी हुई तो मीडिया कर्मियों की गाड़ियां लगातार पीछे पीछे लगी रही। जब पुलिस किसी भी अपराधी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाती है, जब भी कोई जुडिशियल कस्टडी में होता है तो सारी जिम्मेदारी जुडिशियल पुलिस जेल अथॉरिटी की होती है कि कोई भी घटना ना घटित हो। कोई भी पुलिस अधिकारी अपने ऊपर ऐसा बोझ नहीं लेगा कि कोई गैर कानूनी काम कर दे, जबकि पूरे मीडिया और देश की निगाह लगातार बनी रहती है। सीनियर आईपीएस ने कहा कि एसटीएफ के साथ ही करीब 40 पुलिस कर्मियों की टीम अतीक को लाने गुजरात गई थी। ये पुलिसकर्मी ट्रेनिंग पाए हुए रहते हैं। ये लोग खतरनाक अपराधी भी हैं और इनके साथ जुड़े लोग छुड़ाने के लिए हमला कर भी सकते हैं। इसके लिए खतरनाक हथियार और शार्प शूटर भी साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, खासतौर पर विरोधी गैंग भी ऐसे मौके पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है और सरकार को बदनाम करने के लिए कोई भी साजिश रच सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा रहती है कि अपराधी को सुरक्षित लाया जाए, लेकिन इस बात की भी पूरी तैयारी रहती है कि गुर्गों की तरफ से छुड़ाने के लिए हमले के बीच पुलिस से आमने सामने की स्थिति में फायरिंग और क्रॉस फायरिंग भी की जा सकती है, जो कि अतीक अहमद के मामले में भी ऐसा ही था। जहां गाड़ी पलटने का इंतजार किया जा रहा था, वहीं मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये गोदी मीडिया की खबरों से नदारत होती हुई खबर दिखाई दी। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।